हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड हंटर 350 के बारे में। और हंटर 350 का आप मिडल वेरिएंट देख रहे हो जो कि है डैपर ग्रीन। तो डिटेल में बात करेंगे इस बाइक के बारे में, क्या कुछ आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या प्राइस आपको देखने को मिलता है, क्यों आपको ये वाली बाइक लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो देख लो भाई, काफ़ी शानदार जो है ये वाला कलर है, बिल्कुल लेटेस्ट कलर जो है कंपनी ने लॉन्च किया है। मिडल वेरियंट है, एक बेस वेरियंट आता है, एक टॉप वेरियंट आता है, और ये मिडल वेरियंट आप कह सकते हो डैपर सीरीज़ है। और उसका ग्रीन कलर आप देख रहे हो, काफ़ी शानदार जो है बाइक दिखने में लग रही है, नो डाउट। और प्राइस जो है इसका दिल्ली के अंदर रखा गया है ऑन रोड 2 लाख रुपए विदाउट एनी एसेसरीज, 2 लाख रुपीज़ ऑन रोड प्राइस है इस बाइक का दिल्ली के अंदर। और काफ़ी बढ़िया जो है बाइक दिखने में लग रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया जो है, शानदार जो है बाइक दिखती है हमेशा से ही। हंटर 350 भाई, जिनकी हाइट थोड़ी कम है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है मार्केट के अंदर। रॉयल इनफील्ड जैसे ब्रांड की तरफ आपको जो है ये बाइक देखने को मिलती है, और काफ़ी भरोसेमंद जो है ये वाला ब्रांड है, और लुक भी काफ़ी शानदार है, बिल्कुल यूनिक लुक्स जो है आपको निकाल के देती है बाइक जो मार्केट में दूसरी स्पोर्ट्स बाइक आ रही है उनसे, और लुक भी इसका थोड़ा स्पोर्ट्स लुक ही आपको देखने को मिलता है। और देख लीजिए भाई, यहाँ पे आपको जो है हंटर 350 की जो है बैजिंग देखने को मिलती है, और रॉयल इनफील्ड की बैजिंग इस तरफ आपको देखने को मिलती है। प्योर भी लिखा गया है टैंक पे एक तरफ, और एक तरफ लिखा गया है राइड। 350cc का बिल्कुल लेटेस्ट जो है इंजन इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कि सभी बाइक्स में 350cc के अंदर आ रहा है। रॉयल इनफील्ड का जे सीरीज इंजन जो कि आपको 20.2 bhp की पावर निकाल के देता है 27 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ, और माइलेज भी काफ़ी शानदार आपको ये वाली बाइक निकाल के देगी बढ़िया से। अगर आप इसको राइड करते हो तो 35 तक का माइलेज आराम से आपको ये बाइक निकाल के दे देगी, नो डाउट। और फ्यूल टैंक जो है आपको 13 लीटर का इस बाइक के अंदर बड़ा फ्यूल टैंक जो है देखने को मिलता है, 2 लीटर के आसपास इसकी यूजर कैपेसिटी है। और एक बार टैंक फुल करा लेते हो तो लगभग 500 किलोमीटर की रेंज आपको आराम से बाइक निकाल के दे देगी। 120 तक की मैक्सिमम आपको टॉप स्पीड निकाल के देती है बाइक। सिंगल सीट के साथ आती है, स्पोर्ट्स लुक के साथ ही बाइक आपको देखने को मिलती है। क्लासिक 350 वाले ही इसके अंदर जो हैं कंट्रोल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो बुलेट 350 में आ रहे हैं मिटियोर में, सभी में एक जैसा इंजन एक जैसे कंट्रोल्स जो हैं देखने को मिलते हैं। बस थोड़ी सी छोटी बाइक है दिखने में, क्योंकि इसके आगे और पीछे के टायर जो हैं 17 इंचज के आपको देखने को मिलते हैं। मैट ब्लैक का आपको टच इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, किसी भी वेरिएंट में क्रोम का जो है यूज़ इस बाइक के अंदर नहीं किया गया है। प्लास्टिक पार्ट्स का जो है थोड़ा बहुत यूज़ किया गया है, रियर से लगा लो या फिर साइड पैनल से लगा लो, अदरवाइज ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार है बाइक की। 5 गियर आते हैं, 1 डाउन 4 अपवर्ड आपको जो है सिस्टम देखने को मिलता है। और ये है इस बाइक का सेमी डिजिटल मीटर कंसोल जो कि काफ़ी शानदार है, जिसके अंदर आपको फ्यूल मीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, टाइम मिलता है, जरूरत की सभी चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ट्रिपर नेविगेशन भी एज एन एसेसरी के तौर पे आप इस बाइक के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। USB चार्जिंग भी आपको देखने को मिलती है, हेडलाइट हो, इंडिकेटर हो, टेल लाइट हो, सब कुछ आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेगा। और सस्पेंशन को काफ़ी शानदार तरीके से जो कवर किया गया है, फ्रंट वालों को काफ़ी बढ़िया जो है फ्रंट्स में इसके आपको जो सस्पेंशन आपको देखने को मिलते हैं टेलीस्कोपिक 41mm फ्रॉक्स 130mm ट्रैवल के साथ। और रियर में जो आपको 20mm शॉक एब्जॉर्बर 6 स्टेबल प्रोलोडेड के साथ सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी शानदार जो है सस्पेंशन है। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी जो है कंपनी इस बाइक के अंदर यूज़ करती है। बाकी ड्यूल चैनल ABS आपको जो है हंटर 350 के अंदर देखने को मिलेगा। तो ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि फ्रंट ब्रेक जो है इस बाइक का आपको 300mm का देखने को मिलता है, ह्यूज साइज़ का आपको जो है फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और रियर डिस्क ब्रेक की बात करें तो 217mm की आपको जो है रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, तो ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है। कंपनी फिटेड इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। फ्रंट टायर जो है 110/70/17 का मिलता है, और रियर टायर जो आपको 140/70/17 का मिलता है, दोनों ही टायर आपको 17 इंचज के मिलते हैं विद अलॉय व्हील कंपनी फिटेड ट्यूबलेस टायर के साथ, ठीक है। बाकी 181 kg बाइक का वेट है, 800mm की जो है आपको सीट हाइट मिलती है, जो कि क्लासिक और बुलेट में आपको 805mm की मिलती है। 150mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, कम है, लेकिन बाइक का जो व्हील बेस है वो कम है, 1317mm है, तो काम चल जाता है, बाइक छोटी है ओवरऑल। और 2055mm की आपको लंबाई मिलती है, 800mm की आपको चौड़ाई मिलती है, 1055mm की आपको हाइट मिलती है, और 1317mm का जैसे मैंने आपको बताया व्हील बेस मिलता है। और ओवरऑल लुक देखो भाई बाइक का कितना बढ़िया आपको देखने को मिलता है। मैट ब्लैक में इसके मिरर्स आते हैं, मैट ब्लैक में इसके हैंडल आता है आपका, मैट ब्लैक में इंजन आता है, और ओवरऑल आपको बढ़िया जो है ये वाला कलर ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। ड्यूल टोन टाइप का थोड़ा थोड़ा कलर लगता है, धूप में देखोगे तो आप बढ़िया लगेगा आपको ये कलर, नो डाउट पसंद आएगा। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देख लीजिए थोड़ी इसके अंदर दी गई है ग्रीन कलर के अंदर। बाकी ड्यूल रोड चेसिस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, डबल ट्यूब डाउन ट्यूब फ्रेम जिसको बोलती है कंपनी, आपको चेसिस भी काफ़ी शानदार इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से बाइक के अंदर वाइब्रेशन ना के बराबर हैं। किक इस बाइक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है। 3 साल या 30,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो 2-5 ईयर्स के लिए।
और काफ़ी बढ़िया जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको मिलता है रॉयल इनफील्ड का। रिलायबल ब्रांड है रॉयल इनफील्ड, सर्विस एक्सपीरियंस रॉयल इनफील्ड का शानदार है। ओवर ऑल इंडिया आपको सर्विस सेंटर्स वगैरह जो है देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही कम पैसों में जो सर्विस हो जाती है रॉयल इनफील्ड की बाइक्स की। वैल्यू फॉर मनी मिडिल वेरियंट है बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा कंफर्टेबल बाइक है। अगर आपको जो है सिटी के लिए एक बाइक चाहिए तो डेफिनेटली एक परफेक्ट बाइक है, हाईवे रन के लिए बाइक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यही था हमारा ओवरऑल डिटेल रिव्यू आपकी रॉयल इनफील्ड हंटर 350 की डैपर ग्रीन का। सारी चीज़ें इस बाइक के बारे में मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दी हैं। आज वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।